अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, जो मेरी वीडियो है, वो स्पेशली गर्ल्स के लिए मेकअप के लिए, मेकअप पे। तो जो मैं मेकअप यूज़ करती हूँ, वैसे है तो बहुत सारा, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ मेन में, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी, जिसमें आई शेड हो गई, कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, तो इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये ड्रायर जिसके अंदर मेरा सारा मेकअप होता है, तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ ये वेट वाइप्स। तो ये सबसे पहले मैं ये अपने फेस को क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ। फेस वॉश सबसे पहले तो मैं फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद ये क्लीनर यूज करती हूँ ताकि फेस बिल्कुल क्लीन हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं यूज करती हूँ ये मॉइस्चराइजर है, सीरम है। ठीक है, तो ये इंस्टाग्रो ग्लो के लिए, मतलब कि आप, इसका नाम इंस्टाग्लो है। तो इसके अंदर विटामिन सी होते हैं। मैं जो मेकअप यूज़ कर रही हूँ वो मैं सारा यहाँ पे लेती हूँ मेडिकल स्टोर से। ठीक है, इसके अंदर मेरे कोई नुकसान या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, स्किन इफेक्ट नहीं होता। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर विटामिन सी है। ठीक है, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसके साथ मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ। उसके बाद फिर ये मेरे पास से ऑल डे वेयर मेकअप, ये मैं यूज़ करती हूँ। इससे बेस जो हम बनाते हैं वो सेट रहती है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने सुबह यूज़, इसके बाद हमारे पास से ये फाउंडेशन एंड कंसीलर मिक्स है। उसके बाद मैं ये चूज करती हूँ, और मैं इसका नंबर भी बता देती हूँ। इसका नंबर है 66 ऑलमेंट कवर। ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद इसका जो कलर है, इसका जो नंबर है वो 12 लाइट हनी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके साथ क्लीन किया, उसके बाद मॉइस्चराइज किया, उसके बाद मैंने ये मेकअप वेयर ऑल डे जो है वो लगाया। उसके बाद मैं फाउंडेशन प्लस कंसीलर मिक्स से वो ये लगाती हूँ। फिर इसके ऊपर ये फेस पाउडर है मेरे पास लॉरियल का, ये यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये कंसीलर मेरे पास अलग भी है कि अगर मैंने सिर्फ कंसीलर लगाना हो, फाउंडेशन नहीं लगाना, तो ये मेरे पास मिस रोज का कंसीलर है। ठीक है, तो ये लगा के, और ये मेरे पास आई शेड्स हैं दो कलर में। ठीक है, एक मेरे पास शाइनिंग है, और इसके नीचे वाली जो है ये मेरे पास सिंपल है। फिर ये मेरे पास नेल सेट है, जो मैंने कभी किसी फंक्शन पे जाना हो तो मैं ये नेल सेट्स जो है ये लगा के जाती हूँ। ठीक है, ये चार पांच मेरे पास नेल सेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये मेरे पास आईलाइनर है, ये ब्राउन कलर का है, ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास लॉरियल का मस्कारा है, लॉरियल का मस्कारा, एंड ये सिंपल मस्कारा है, ये एक्स्ट्रा लैशेस के लिए है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये मेरे पास आ गया ब्लशर, जो कि मैंने बिल्कुल लाइट कलर में लिया है, जो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ जी। तो ये मेरे पास बहुत ही लाइट एंड बहुत प्यारे कलर के ब्लशर्स हैं दो। ठीक है, तो अगर आप स्कूल के लिए, पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए स्कूल वेयर मेकअप करना चाहती हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इस तरह के वाइप्स ले लें, वेट वाइप्स, जिसके साथ अपना जब फेस वॉश करते हैं उसके बाद इसके साथ अपना फेस क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप अपना फेस मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज करने के बाद आप कोई भी क्रीम लगाएं, ये फाउंडेशन या कंसीलर ना लगाएं, ये पार्टीज के लिए या फंक्शंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं लगाने, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। और उसके बाद आप फेस पाउडर यूज़ करके, फेस पाउडर लगा के और मस्कारा लगा के आप जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का अगर ब्लशर आपके पास है तो ये बिल्कुल लाइट सा ब्लश है,
तो इसका पता भी नहीं चलता कि आपने लगाया या नहीं लगाया। तो जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि गर्ल्स को पसंद आई होगी।